छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी के खिलाफ जबरदस्त हुंकार भर दिया है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर करते हुए देश भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम भूपेश ने भी रायपुर ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सीएम भूपेश ने कहा कि सोनिया गांधी को ईडी कार्यालय बुलाया गया है। सोनिया गांधी के बीमार होने पर भी उन्हें ईडी के जरिए परेशान किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को अधिकार दिए हैं, आज वो अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। सीएम भूपेश ने कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, अपने में कैमरा लगाए गए हैं और सार्वजनिक करें, अगर ईडी ने माँ का दूध पिया है तो सबके सामने कैमरे पर दिखाएं कि तुम्हारा आखिर खोल लो, कान लो, साफ कर लो कि तुम्हारे मन के जिम्मेदारी जिया जिया भी मनी लॉन्ड्रिंग होते होकर कार्रवाई करो। लेकिन ये मन सावन के अंदर हरियर हरियर नजर आते। आज मैं कहा था, फिर से मांग करा था, यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में हिम्मत है, यदि ईडी वालों ने अपन मां के दूध पिए है तो सोनिया गांधी पूछताछ करा था, तो कैमरा लगा दे, पूरा देश की जनता जानना चाहते और देश जानना चाहते कि कते कर घोटाला हो है। 90 करोड़ रुपया दे कांग्रेस पार्टी दे, नेशनल हेराल्ड दे, उन कते कर घोटाला हो है, देश जानना चाहते है। करो मन की हिम्मत।